नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के सेक्टर 7 के लोकप्रिय पार्षद लक्ष्मीपति राजू के द्वारा सेक्टर 7 स्थित शिवधाम में इस वर्ष भी सावन महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस वर्ष इस कार्यक्रम का संचालन क्षेत्र की महिलाएं करेंगी, जिसे लेकर मंगलवार को सेक्टर 7 में बैठक आहूत की गई। सेक्टर 7 स्थित शिवधाम में प्रतिवर्ष वहां के लोकप्रिय पार्षद लक्ष्मीपति राजू द्वारा श्रावण मास में आयोजन किया जाता है। विगत 2 वर्षों से शासन प्रशासन की तरफ से कोविड गाइडलाइन के अनुसार यह आयोजन नहीं हो पाया था। इस वर्ष इस महामारी से राहत मिलने के बाद वृहद स्तर पर इस आयोजन को करने की तैयारियां की जा रही है, जिसे लेकर सेक्टर 7 के पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने क्षेत्र की महिलाओं के साथ एक बैठक आयोजित की। इसमें महिलाओं को इस वर्ष होने वाले आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई। महिलाओं द्वारा बेहद अच्छे सुझाव दिए गए, जिससे इस वर्ष आयोजित होने वाला सावन महोत्सव चर्चा का विषय बना रहे। शिवधाम में हर साल हम सावन के महीने में भंडारे का आयोजन करते हैं। 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, इस साल फिर हम तैयारी में लगे हुए हैं। इसलिए हम लोगों ने महिलाओं की टीम बनाने का निर्णय लिया है, जो इस पूरे भंडारे का संचालन करेंगी और सेवा देंगी। इस बार नया हम ऑर्केस्ट्रा करने का सोच रहे हैं, जो लोग शाम को कुछ मंडली को हम बुलाएंगे, भजन होगी और एक जैसे गंगा आरती हरिद्वार में होती है उस तरह से हम आरती करने का। और ये हमारे पार्षद लक्ष्मीपति राजू भैया करा रहे हैं और ये कई सालों से करा रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे होता है, लेकिन अभी 2 सालों से जब कोरोना की वजह से वो कम हो गया था, रुक गया था, तो इस साल फिर से हम लोग उसको कर रहे हैं। बहुत अच्छा, हमारा सेक्टर 7 की बहुत बढ़ोतरी हो रही है और शिव जी के बहुत बड़ी हमारे ऊपर आशीर्वाद है और इसका आशीर्वाद के पीछे पूरा श्रेय हमारे लक्ष्मीपति भैया का जाता है। और इस बार वो पहले से भी बड़े पैमाने पे कार्यक्रम कर रहे हैं। जो 10,000 का भोग होता था वो इस साल 15,000 से 20,000 लोगों का महाप्रसाद भोग होगा और बहुत अच्छा हमारा वो है कि अच्छे से अच्छा हो और इसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग है और रात दिन वो इसके लिए तत्पर हैं और हम लोगों को भी उनका साथ देना है और अच्छे से इस कार्यक्रम को सफल बनाना। सावन मास में भगवान शिव की आराधना पूरा विश्व करता है और कहा जाता है भगवान शिव की आराधना सावन मास में करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।